My name is Apoorva and आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। आज की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है वो है ड्रॉइंग पेंटिंग स्केचिंग से रिलेटेड। एंड डोंट वरी, अगर आपकी ड्रॉइंग या फिर आपकी स्केचिंग इतनी अच्छी नहीं भी है तो भी ये चीज मैटर नहीं करती है। मैटर करता है आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जब आप उसे ड्रॉ कर रहे होंगे। तो डोंट वरी, आपको एक प्रॉपर आर्टिस्ट होने की इस टेक्निक के लिए जरूरत नहीं है। तो आज मैं अपनी एक फ्रेंड को एडवाइस कर रही थी, उसका मुझे कॉल आया था एंड शी वॉज आस्किंग मी अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड शी वॉज आस्किंग मी कुछ टिप्स देने के लिए कि जिससे कि वो चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए। तो आई नो वेरी वेल शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, उसके स्केचिंग इतने अच्छे हैं, उसके ड्रॉइंग्स इतने अच्छे हैं। तो मैंने उसे सिंपली एडवाइस किया, अगर तुम्हें स्केचिंग एंड ड्रॉइंग इतनी अच्छी लगती है तो तुम क्यों ना वो चीजें ड्रॉ करो जो तुम अपनी लाइफ में चाहती हो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अमेजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है एंड अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अंडररेटेड है, बिकॉज मुझे उसे एक एग्जाम्पल देना था कि कैसे आप ये टेक्निक कर सकते हैं, बट इंडिया में इस पे कोई भी वीडियो नहीं थी। जो भी वीडियोस मुझे यूट्यूब पे सर्च में आई वो सारी की सारी जो यूएस के लोगों से थी या फिर कोई और कंट्री से। इंडिया में इसके बारे में आई डोंट थिंक सो किसी ने कोई बात करी है एंड आई वॉन्टेड टू शेयर अ वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी वीडियो इस टॉपिक पे यूट्यूब पे नहीं थी। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अभी बात करते हैं ड्रॉइंग, ड्रॉइंग से आप चीजें कैसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं। पहली चीज, आप अपने पूरे इमोशंस, पूरे थॉट आप उस चीज पे लगाएंगे। आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आप ड्रॉ करते हो, स्केचिंग करते हो, यू फील सो काम, यू फील सो अमेजिंग। ये एक फैक्ट है। मैं खुद स्केचिंग करना पसंद करती हूँ, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है मैं स्केचिंग से अपना मूड अपलिफ्ट करती हूँ, मेरी वाइब्स अपने आप हाई हो जाती हैं। तो जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपको इस टेक्निक में लिटरली कुछ नहीं करना है, आपको कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। आपके जो दिल में आए आप वो करिए, आपके जो दिल में आए आप वो चीज ड्रॉ कीजिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने आप सभी के लिए कुछ ड्रॉइंग्स क्रिएट करी है, कुछ सभी को एग्जांपल के तौर पे वो ड्रॉइंग्स दिखाना चाहती हूँ। चलिए, पहली जो ड्रॉइंग है वो है, मैंने करी थी फॉर मनी। यहाँ पे एक पर्सन है, आप समझ लीजिए कि सपोज आप ये पर्सन है, आप अपने आप को इस पर्सन को कंसीडर कर सकते हैं एंड वो जो पर्सन है उसके हाथ में 10,000 रुपीज है एंड वो बोल रहा है कि OMG आई हैव गॉट 10,000 रुपीज। वो एक्साइटेड हो रहा है, वो बोल रहा है थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू। जब मैं इसे ड्रॉ कर रही थी, ट्रस्ट मी, आई वॉज फीलिंग रियली अमेजिंग, जैसे मुझे इसे एक्चुअल में मैनिफेस्ट करना हो। आई वॉज एक्चुअली फीलिंग ग्रेट एंड मुझे अपने इमोशंस या फिर एनर्जी इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैं अपने आप ही वो इमोशनल टच इस ड्रॉइंग से फील कर रही थी। ठीक है, सेकेंड जो मेरा एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, फॉर गुड मार्क्स। यहाँ मैंने स्कूल का नाम लिखा हुआ है, स्कूल नेम, आपका जो भी स्कूल का नाम है या कॉलेज का नाम है आप वो लिख सकते हैं। एंड यहाँ मैंने लिखा है कि माय रिजल्ट 2020। इंग्लिश में मेरे 90 आए हैं, हिंदी में मेरे 95 आए हैं, मैथ्स में मेरे 80 आए हैं, साइंस में मेरे 89 आए हैं। एंड मैं इसको देख रही हूँ, फील कर रही हूँ। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, इसको बिल्कुल फील के साथ, बिल्कुल इमोशनल होके इसे ड्रॉ कीजिए, अमेजिंग फील कीजिए, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो सारी इसमें डाल दीजिए, अपनी सारी एक्साइटमेंट की एनर्जी वो सब के सब इस पिक्चर में डाल दीजिए। एंड मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अमेजिंग स्कोर, आई लव यू। हमेशा याद रखें, ग्रैटिट्यूड का साथ कभी मत छोड़े, ग्रैटिट्यूड इज मस्ट, ग्रैटिट्यूड इज इम्पॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना, हर चीज में थैंक यू बोलिए, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं ये आपका स्कूल का रिजल्ट है, जस्ट इसे फील करें, पूरे फील के साथ आप इस ड्रॉइंग को बनाएं। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है माय ब्रांड न्यू बिजनेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मैंने एक छोटी सी बस बनाई है, इसमें दो लोग हैं, इसमें दो लोग खड़े हुए हैं एंड ये आइसक्रीम लिखा हुआ है, यहाँ बहुत सारे उसके आगे लोग खड़े हुए हैं एंड उनमें से एक आदमी बोल रहा है कि वी लव योर आइसक्रीम। एंड अंदर से जो लोग खड़े हैं, दो लोग आपको दिख रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं थैंक यू। एंड मैंने आगे इसमें ये भी लिखा है थैंक यू यूनिवर्स,
थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई अमेजिंग बिजनेस, थैंक यू फॉर ऑल द इनकम, थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। एंड यहाँ मैंने लिखा है माई बिजनेस इज ग्रोइंग, थैंक यू। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस पर काम किया है। एंड आप इस तरीके से पूरी फील के साथ कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। एंड आप इस बस को देखिए, ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, ग्रो कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है माई बिजनेस इज ग्रोइंग। तो पूरी पिक्चर को आप जिस तरीके से आप क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ इस बस के सामने मैंने बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया है, वो सब लोग डिमांड कर रहे हैं उस आइसक्रीम की। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इस पर क्रिएटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है माई लव लाइफ इज ब्यूटिफुल। यहाँ पे मैंने दो सिनारियोज बनाए हैं, आप चाहें तो और भी सिनारियोज क्रिएट कर सकते हैं। आप वो चीज बनाए जिससे आपको मजा आ रहा है बनाने में, जो आप एक्चुअली अमेजिंगली फील कर रहे हैं। आप पूरी एनर्जी, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप इसे बनाइए। एंड आप देख रहे हैं मेरी कोई ड्राइंग इतनी खास नहीं है इसमें, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया। एंड ये इस टाइप की ड्राइंग कोई भी बना सकता है। एंड आप फर्स्ट सिनारियो में देख सकते हैं जो लड़की है उसके ऊपर लिखा है मी, एंड जो लड़का है वो उसे बोल रहा है दैट आई लव यू चेरी। एंड यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, थैंक यू। तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो सेकंड सिनारियो है कि एक लड़की है उसने एक फ्लावर या फूल पकड़ा हुआ है, एंड जो लड़का है वो अपने नीज पे बैठा हुआ है। आई थिंक नीज यहाँ पे इतने क्लियर कुछ दिख नहीं रहे, बट वो नीज पे है। एंड उसके एक हाथ में लिखा हुआ है मैरी मी, एंड नीचे लिखा हुआ है OMG, he proposed me. Thank you, universe. I love you. Thank you so much for this relationship. आप इस तरीके से चीजें क्रिएट कर सकते हैं ड्राइंग के थ्रू। अब सवाल ये आता है कि आप इसे किस दिन कर सकते हैं, किस कलर के पेन के साथ कर सकते हैं। तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक कलर के पेन के साथ इस पे काम करना है। बट आई पर्सनली प्रेफर कि मनी के लिए मैं ग्रीन यूज करती हूँ, लव के लिए मैं पिंक या फिर रेड प्रेफर करती हूँ। ये मेरी खुद की प्रेफरेंस है, बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है, इट्स जस्ट ऑप्शनल। एंड आप हमेशा वो ड्राइंग्स बनाएं जो आप चाहते हैं, एंड उन्हें प्रेजेंट टेंस में बनाएं। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि एक लड़का जो है वो उस लड़की को प्रपोज कर रहा है, तो मैंने इस पिक्चर में बनाया है। जो लड़का है वो उसे मैरी मी दिखा के उसे एक फ्लावर दे रहा है, यानी कि ये चीज हो चुकी है। एंड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है OMG ही प्रपोज्ड मी, थैंक यू यूनिवर्स, जैसे कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। लाइक जैसे कि हम नॉर्मली लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स में करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। सपोज कीजिए कि आप कॉलेज में नए हैं एंड आप एक फ्रेंडशिप चाहते हैं किसी ग्रुप के साथ में, कोई भी पर्सन है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सिंपली ड्रॉ कीजिए, आप उस ग्रुप के लोगों को बैठा हुआ दिखाइए अपने साथ में। आप चाहे तो एरो से मार्क कर सकते हैं कि इस पर्सन का नाम ये है, इस पर्सन का नाम ये है, एंड यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। एंड जस्ट फील इट, फील द फीलिंग। एंड आप चाहे तो साथ में एक टेबल बनाइए, उस पर कोक की बॉटल बना दीजिए कि आप लोग यहाँ पे कोक पी रहे हैं, या फिर आप पास्ता खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। जस्ट बी क्रिएटिव, एंड आप इसको एज अ फन टेक्निक यूज कीजिए, क्योंकि आप जितने फन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं उसके चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने में। आप इसे किसी भी तरीके की नोटबुक में कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, अगेन कोई रूल नहीं है। एंड अगर आप चाहते हैं अपनी सारी ड्रॉइंग्स को ऑर्गेनाइज रखना, तो आप मेरी तरीके से भी एक ऐसी बुक लेके आ सकते हैं, मैं इसमें चीजें बनाती हूँ। मुझे बेहद पसंद है स्केचिंग, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा फन तरीका है चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने का। आप इस केस में दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, या तो आप डेली इसको ड्रॉ कीजिए, फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए, या फिर आप सेकंड चीज ये कर सकते हैं कि आप जो फर्स्ट डे पेंटिंग क्रिएट करेंगे उसको अपने पास रखिए। आप इसे पॉकेट में रख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप उसको देखिए, फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए, या फिर आप इसको अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए सेम पिक्चर को, एंड आप उसको बार बार देखिए, या फिर आप उसको ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जिससे कि आपकी नजर जहाँ पे बार 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 पड़े। या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं, आपकी जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है या फिर आपका कोई भी डायरी है, कुछ भी है, आप वहां पे इस फोटो को, आपकी जो ये ड्राइंग है, आप उसको लगा दीजिए। एंड जब जब आप उस डायरी को खोलेंगे एंड आपको वो दिखेगा, थैंक यू बोलिए, अपना कृतज्ञ दिखाइए यूनिवर्स को जब भी आप उसको देखेंगे। तो आप इस तरीके से चीज कर सकते हैं, या तो आप डेली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सेम पिक्चर पे 30 डेज तक आप उस पर विजुलाइज कर सकते हैं, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स।
एंड आपको एक और चीज़ फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपको आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कैसे भी आपकी ड्राइंग हो, कुछ भी ड्राइंग हो, यूनिवर्स आपको आपकी ड्राइंग से जज नहीं करता है। आपको फीलिंग्स के थ्रू यूनिवर्स को बताना होता है कि आप क्या चाहते हैं। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स की, आपकी वाइब्रेशंस की भाषा समझता है, तो इसीलिए आपकी जो ड्राइंग है वो मैटर नहीं करती है। आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं। तो इसीलिए याद रहे, जब भी आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे कोई भी टेक्निक हो, हमेशा अपनी वाइब्रेशंस हाई रखें एंड अच्छा फील करें, थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए। आई लव यू, थैंक यू सो मच, बाय।